गाइस अगर चेक न्यू मेंबर बट गाइस मेरी नहीं है लिया चाचू ने देख सकते हो आप जो उनको कलर चाहिए। गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हो भाई सभी लोग ठीक होने चाहिए और एकदम मस्त होने चाहिए। तो गाइस आज का व्लॉग कर रहे हैं हम शुरू। सबसे पहले जा रहे हैं जिम और उसके बाद देखते हैं आज क्या करेंगे। चलो गाइस राहुल भाई भी आ गए हैं, शौर्य भी आ गए हैं, नाउ वी आर गोइंग। एंड गाइस कमेंट किया करो किस टाइप के ब्लॉग चाहिए आपको, या मैं क्या करूं, या कोई टास्क या कोई चैलेंज, कुछ तगड़ी चीज़ें बताओ क्योंकि मेरे को बहुत स्ट्रेस हो जाता है कि मैं आज क्या करूं। अब क्योंकि आपको पता है दिन को ज़्यादा ही धूप बारिश हो जाती है तो घर पे पैक कुछ भी नहीं रहता करने को, तो कुछ गाइड किया करो भी, कुछ ऐसा ऐसा चैलेंज कर लूँ मैं और कुछ ईजी बताना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। गाइस तो आज का वर्कआउट हो गया खत्म हो, देखो भाई 22 बजे हैं आज और 7 में बजी बैक। 22 अब तो गया बहुत ही अलग, शोल्डर भी थे मेरे तो। इसके तो शोल्डर भी थे और आर्यन ने आज भाई बहुत अच्छा ज्ञान दिया एक चीज का मार को, ये आर्म वाला, हाँ उसके लिए थैंक्स, ज्यादा हीरो मत बनियो क्योंकि हम कर देते हैं जीरो भी फिर। भाई देख रहे हो आप आर्म कितनी पतली है अच्छा हाँ बहुत सही बॉडी है, आज भी जा रहा है हमारे साथ, इसको भी प्रोटीन पिला रहे हैं। हाँ क्या मैंने बोला, क्या मैंने देख लिया है मैं राहुल भाई शौर्य, अभी प्रोटीन वगैरह पियेंगे और निकलते हैं घर से बाहर, देखते हैं आज क्या करेंगे। क्या करेंगे आज हम, गाड़ी का अधूरा काम, गाड़ी का अधूरा काम पहले उसको धुलाएंगे कहीं और जाके उसके बाद करेंगे, देखते हैं कुछ सही चीज करते हैं। तो गाइस अभी हम आ गए बढ़िया खाना खुना खा के। तो मैंने आपको बताया था ना अभी मैं पीछे ऐसे स्कूटी लेने गया था, न्यू मेंबर जुपिटर हमने देखी थी, तो गाइस वो स्कूटी आ गई अभी दिखाते हैं आपको। गाइस अगर चेक न्यू मेंबर बट गाइस मेरी नहीं है लिया चाचू ने, तो देख सकते हो आप जो उनको कलर चाहिए था वो तो मिला नहीं तो इन्होंने अलग कलर लिया। और ये देखो इन्होंने बम्पर काट देती है आजकल TVS जुपिटर में, मेरे को तो दिया नहीं इन्होंने टॉर्क में पर इसमें आ रहा है, मस्त है कलर भी। किसकी है गाइस जो वेरिएंट मेरा था ना उससे बहुत अलग है, ये वैसा नहीं है वेरिएंट जैसा हमारा था, डिफरेंट है इसमें। हाँ भाई थोड़ा कम स्पेस लग रहा है मेरे को और इसमें एक यूनिक चीज़ है, अभी इसकी लाइट मॉडिफाई होगी और छोटी होगी, वो वाली लाइट भी इससे बड़ी होती थी थोड़ी, पर ये ज़्यादा अच्छी लग रही है अभी इससे। वाइट लाइट है इसमें, LED साथ में। देखो इस स्कूटी पे, ये शौर्य की स्कूटी ना, और डेंट देखो है ना, इस पे करेंगे हम किसी दिन एक्सपेरिमेंट। ये तो कुछ नहीं है सब बोल रहे, ओ देखो भाई पर इतना तो पता है तो पूरे तो जाएंगे नहीं, तो पूरी रगड़ है, पर इस स्कूटी पे हम काम कर सकते हैं उसे केमिकल्स है ना बहुत, तो धोएंगे उसको हाँ, क्योंकि भाई इसकी स्कूटी पे ज़रूरत है तो हम कर देंगे इसकी स्कूटी साफ बिल्कुल किसी दिन जब भी टाइम लगेगा। गाइस कुछ बोलना चाह रहे हैं अपनी स्कूटी के बारे में, क्या बोल रहे हैं भाई? मैं बोल रहा हूँ यार लत पे मत जाना, अभी धोई नहीं है, धो के नहीं जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये होता है भाई वो अपने व्हीकल से प्यार ना, एक भी 6 साल पुरानी चीज भी धोखे वाले नहीं हो जाती है, निशान भी चल जाते हैं भाई है ना धोखे, भाई ये तो परमानेंट है, नहीं जाते पर ऐसा है साफ हो जाती है पूरी, साफ चमक जाती है, ब्लैक हो जाती है पूरी, जैसे धूप बचती है फिर देख रहे हो भाई, बातें सुना इसकी कहने
ये बोल रहे है ना जब अपनी स्कूटी धोता है स्कूटी जाती है बोले पूरी नहीं हो सकता ऐसा साफ हो जाती है और बढ़िया हो जाती है भाई तूने बोला नहीं हो जाती है बोले निशान ही नहीं रहते बोले निशान भी चल जाते हैं क्यों निशान नहीं होता हाँ बताया गाइस आ रहा है इसको कुछ सजलने लग गया है अब आग निकलेगी और कुछ गंदी गाली देगा कैमरे में फिर बाद में सुनेगा गालियाँ ऐसा ही करता है डेली गाइस तो सबसे पहले मैं अपनी स्कूटी में डाल दूँ अपना ये हुड रात को अगर कई बार ठंडी हवा चलती है तो काम आता है आपको बताइए बैकअप होना चाहिए और भाई मैंने बड़े दिन से स्कूटी नहीं चलाई पूरी गंदी हो गई देख सकते हो आप हालत धुलानी पड़ेगी भाई बहुत गंदी हो गई है तो क्यों ना धुल बैठी है इसकी पूरी हाँ भाई गाइस मेरी स्कूटी हो गई है बहुत ही गंदी तो मैं धो रहा हूँ इसको कैमरामैन आप इतनी ढीले क्यों हो इधर लाओ ये देखो भाई एक ही बार पानी का फेंगा बिल्कुल चमक गई मस्त जला ला पानी और ले आ यार कान तू ही गाइस देखो अभी एक डब्बे से धो दी मैंने होगी ना बढ़िया साफ इसको भी करूँगा मैं केमिकल से कोटिंग अब चलते हैं बाजार लो गाइस बाजार की ब्यूटी का मजा लो आज भीड़ है थोड़ी बिल्कुल थोड़ी सी गाइस अब हम डला रहे हैं तेल खत्म हो गया था पूरा ही देखते हैं कितना किराया था दो डंडे तो थे इसमें चार सौ का कर दो आ जाएगा 400 कर दो पूरा गाइस अभी डाल रहा हूँ मैं टायर में और देखते हैं कितने पाउंड होगी इसमें बची हुई फर्स्ट ट्राई फर्स्ट अटेम्प्ट कहाँ गया इसका चरखा 27 थी इसमें गाइस गाइस मैं आ गया हूँ बर्गर खाने और शेक भी पियेंगे राहुल भाई मेरे साथ और मैच लगा हुआ आरसीबी का क्या लगता है आज कौन जीतेगा भाई आरसीबी जीतेगी आज 101% ये देखो स्कोर ऊपर है 10 गेंदों में आए हैं दो चौके और एक गाइस तो आपने मेरी प्रेडिक्शन देखी होगी मैंने बोला था आरसीबी जीतेगी और जीत गई भाई अपनी टीम दूसरा मैच तो बहुत खुशी हो रही है बाकी गाइस इस व्लॉग को करते हैं एंड वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बाय बाय